स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों। सो आज फिर से आ गए एक बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी जैसा पूरा माहौल चल रहा है एकदम हनी सिंह वाला, मेरे को तो एकदम नॉस्टैल्जिया आ गया पुराने जमाने का। मतलब एक टाइम था जब ब्लूटूथ से लोगों से गाने मांगते थे और अगर हनी सिंह के गानों के लिरिक्स पता रहते थे तो भाई फ्लैक्स हो जाता था वो, तो कि बेटे ये नहीं बोलते इसमें ये बोलते हैं। क्योंकि रैप सॉन्ग जो चालू किया था इंडिया में तो मैंने तो पहले हनी सिंह का ही सुना था, और लव डोज वगैरह तो सुनते सुनते मेरे घर में पहले कुत्ता तो उसको घुमाता था मैं। और अब इतना ज़्यादा जब हनी सिंह का वो नया एल्बम आने वाला है ना कला स्टार, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एकदम वो टाइम याद आ गया जब देसी कलाकार गाना आया था। तो अभी बहुत सारे मीम बन रहे हैं इन सब चीज़ों के रिलेटेड, और एक मीम जो सबसे ज़्यादा बन रहा है कि भाई बादशाह वर्सेस हनी सिंह हो गया। तो आओ चलो देखें कि बादशाह, वैसे सही बताऊं तो बादशाह से ज़्यादा फेमस तो मुझे हनी सिंह की टी शर्ट लगती है, क्योंकि मैं ये टी शर्ट पहन के जब जब बैठता हूँ ना सब बोलते हैं अरे हनी सिंह की टी शर्ट। और बादशाह के तो गाने पर भी रील बना दो तो भी कोई नहीं बोलता ये तो बादशाह का गाना है। बादशाह के गाने इतने फेमस नहीं है, हनी सिंह की टी शर्ट है। वैसे ये तो फूल है हनी सिंह की तो एकदम हाफ थी, पर ये पैटर्न थोड़ा सेम है ना तो सब लोग बोलते हैं मुझे, वैसे ही वैसी नहीं है। मेरे को ये सुनने में आता है कि भी कोई अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलता है तो मेरे फैन उसकी बैंड बजा देते हैं। तो मैंने कहा यार अच्छा ऐसा सच में होता है क्या? तो मैंने चेक किया, वाकई बैंड बजा देते हैं वो लोग। तो जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। नॉर्मल जो सिंगर एक्टर और सेलिब्रिटीज होते हैं वैसा नहीं है। मतलब ब्लूटूथ के टाइम से वो जिस प्रकार से चला आ रहा है ना, ब्लूटूथ किंग बन चुका है, कि उसको देख के ऐसा फील आता है कि भाई यही तो स्टार था, इसके ही तो गाने सुनते थे, वेट करते थे कि हनी सिंह का अगला गाना कब आएगा। कृष्णा बोलेगा मुझे क्यों तोड़ दिया, मुझे क्यों तोड़ा, मैंने तो हनी सिंह के बारे में कुछ बात ही नहीं करी। भाई खतरनाक क्रेज है। तो समझ ही नहीं आता हनी सिंह का कंपैरिजन बादशाह से होता है क्यों। एक तरफ बादशाह जो फेमस इसलिए हुआ था कि उसके वो जो थे क्या कहते हैं फॉलोअर्स, वो फेक थे, वो बाद में जब पता चला था कि उसने फेक डलवाए तो इस बात से बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। और हनी सिंह ने उस समय पे YouTube हैंग कर दिया था जब 2G चलता था, लोगों के पास जियो तक नहीं था इंटरनेट का, कि इतना ज्यादा इंटरनेट की चलाओ तो भाई सारे एक वीडियो पे आ गए हैंग हो गया, YouTube अटका देता था वो उस समय पे। और भाई साहब उसके फेसबुक पे कितने मिलियन हो गए थे, 7 मिलियन, आज से 9 साल पहले, जब हमें फेसबुक चलाना भी ठीक से नहीं आता था। ये क्रेज था हनी सिंह का, क्योंकि उसको तो मेरे ख्याल से सभी लोग सुनते थे, इंटरनेशनल है भाई वो तो। बादशाह एंड हिज गैंग आफ्टर कला स्टार टीजर। यस माय सन, उधर क्या भैंस चढ़ी क्या, उधर क्या भैंस, क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है, हमें शेर को डरा के दिखा। शेर का खुद पाद निकल जाएगा जिस दिन वो कला स्टार रिलीज होगा। पर ऐसी बात नहीं है, बादशाह इज्जत भी बहुत करता है हनी सिंह की, पापा पापा बोलता है इंटरव्यू वगैरह में। चीज़ी ऐसी होती है, क्या बात है। मेरे पापा से आज तक नहीं, वो बेचारा अपने असली पापा के बारे में बात कर रहा है। हाँ, हनी सिंह की बात कर रहा हूँ। मतलब हम एक कमरे में 2 मिनट से ज्यादा रह ही नहीं सकते, लेकिन प्यार भी मैं सबसे ज्यादा उस इंसान से करता हूँ। भाई क्या कर देते हैं लोग, क्लिप पापा गर्व से उनका सीना चौड़ा होगा, आके वो फिर भी नहीं कहेंगे, फिर भी गाली पड़ेगी तो वो आशीर्वाद है। भाई साहब 2012 से जो मैंने सक्सेस देखी ना, अक्षय कुमार इज कॉलिंग मी, शाहरुख खान इज कॉलिंग मी, ऐसा कौन सा बॉलीवुड एक्टर है बड़ा जिसके साथ हनी सिंह ने गाना नहीं किया, सबके साथ किया। हाउस, आई मेड अ सॉन्ग लुंगी डांस पार्टी ऑनलाइन, देन आई थॉट कि मेरे को अपने बलबूते पे कुछ करना है, मेड ब्लू आईज, वो भी हिट हो गया, मेड सनी सनी, देन बच्चन साहब कॉल्ड मी अप, भूतनाथ का गाना रहा था आई वांट यू इन द वीडियो, वाओ। उससे पहले मैं भगवान को बहुत मानता था। 2012-13-14 में सक्सेस देखी ना भगवान, हाँ देसी कलाकार के बाद भगवान ने बोला
मैं भगवान तू घर पे बैठा। मेरे को तो यही नहीं पता चला था कि हनी सिंह एकदम से गायब क्यों गया था, इतने ज्यादा सालों तक गायब हो गया। वरना ये बादशाह और रफ्तार इनके गाने अच्छे हैं नो डाउट, पर ये इतने ज्यादा उठ के नहीं आ पाते क्योंकि हनी सिंह का तो नाम सबसे ऊपर रहता ही ना हमेशा। और अब तक तो क्या पता कितने 100-150 मिलियन फॉलोअर कर लिए होते उसने, पर क्या पता, क्यों किसी को पता हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि हनी सिंह गायब क्यों हो गया था। बता दो ना क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा। जरा जरा से चित्रे पित्रे वो जो एंकर बन के खड़ा है हसल कर, आवाज नहीं निकलेगी हनी सिंह सामने आ गया तो। एक जोक था राहत इंदूरी जी ने सुनाया था, बंदा बोलते कि सरकार चोर है तो पुलिस पकड़ के ले जाती है उसको, कहता मुझे क्यों पकड़ा, कहता तू बोल रहा है सरकार चोर है, कहता मैंने तो बताया नहीं आपको कौन सी सरकार चोर है। जिसको ये फील हो रहा है, एक तो बादशाह ना कहानियां बहुत अच्छी बनाता है। एक इंटरव्यू आया उसमें बादशाह बोलता है कि हनी भाई से मिला मैं, हनी भाई ने बोला कि तू बादशाहों की तरह रहता है, जब मन करता आता है, जब मन करता जाता है, जो मन होता है खाता है, तेरा नाम बादशाह रखते हैं। और तो मैंने अपना नाम बादशाह रख लिया। और एक वीडियो में कहता कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन था तो मैंने बादशाह मूवी देखी और मैंने अपना नाम बादशाह रख लिया। भाई एक जगह पे टिक जाना, एक वो उसमें कहता है कि इतना ज्यादा आईक्यू है मेरे पास। भाई बादशाह के नो डाउट वो जो इंडिविजुअली गाने निकालता है वो काफी अच्छे रहते हैं। क्या नाम था उसका भी एक जो गाना आया था सीधे मौत के साथ सुहा, बढ़िया गाना था। पर हनी सिंह का जो लेवल है वो अलग है, कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब तक कंपेरिजन नहीं हो रहा ना जब तक सब ठीक लगते, कंपेरिजन होने के बाद बचता ही नहीं है कुछ। ये 9 या 11 साल पुरानी वीडियो है, इस समय 7 मिलियन हुए थे हनी सिंह के। 7 million on Facebook, all your support and प्यार, इसकी वजह से 7 million हो गए हैं Facebook पे। 7 million in 2 years। 7 million on Facebook। मुझे तो लगता है हनी सिंह आते के साथ ही छा जाता है। गलती हो गई कि वो टोनी कक्कड़ की संगति में चला गया गलती से, उसके साथ जाके वो फर्स्ट किस वगैरह प्यार की पहली प्यार की पे। वरना तो हनी सिंह के गाने तो भाई तगड़े ही रहते हैं। अगर ये टोनी कक्कड़ की संगति में जाता तो और तगड़ा होता सब। फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक नहीं हो रहा। हाँ जी आन भाई हो गया। अब सर आप बोले। कमबैक तो कहूंगा ही नहीं अपने आप को, क्योंकि मैं अगर 5 साल गायब रहा तो मैंने ये देखा कि रेडियो पे तो मैं चल ही रहा था, टीवी पे मैं दिख ही रहा था, पार्टियों में गाने बज ही रहे थे। जिस इंसान ने आपको बनाया ऊपर बिठाया उससे तो लड़ना झड़ना। वैसे अगर उसके बिजनेस के नजरिए से देखें तो बादशाह को समझ आ रहा था कि साथ में अगर रहेगा तो हमेशा सेकंड थर्ड नंबर पे ही रहेगा, तो उसने सोचा पहले नंबर पे आने तो अलग होना पड़ेगा। और फेमस भी ये लोग कैसे हुए हनी सिंह का नाम ले लेके। हनी सिंह के अगर ग्रुप में ना होते तो बादशाह को जानता कौन था। दुनिया की सोचूगी साडे बारे गल बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे अपने तो मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन काट दे। इस समय पे इतना फेमस था हनी सिंह, एकदम पीक पर था उस वक्त भी, वो ए आर रहमान के पैर छू रहा है। और बादशाह को देखो थोड़ा सा चढ़ा नहीं तो कम बैग ही नहीं हो रहा है, भूल गए पापा को। एंड इन इंडिया बादशाह इज नंबर 1 इन दिस अर्बन म्यूजिक सीन, हिप हॉप सीन, एंड आई एम नंबर 2। ये अलग ही दुनिया है। नंबर 1 पे बादशाह, नंबर 2 पे ये वो रफ्तार वफ्तार भी कहीं 10वें 12वें पे पड़े होंगे, 3रे पे और इसका कोई दोस्त सखा सहेला आ जाएगा। भाई किंग से पहले तो जाके पूछो कि वो कौन सी बात थी जो रफ्तार भाई ने कही थी जो कि बहुत केड़ी थी। किंग के भी शुरू के 2-4 गाने चले थे, मान मेरी जान वगैरह ये सब, और उसके बाद अभी किंग कहाँ है किसी को नहीं पता। उसके गाने तो अब मेरी फीड पे आते भी नहीं है, मैंने तो सुने भी नहीं किंग ने ना कितने गाने निकाल दिए होंगे अब तक। पर हनी सिंह का हर गाना सुना है, चाहे आपको पसंद आए ना आप सुनते जरूर हो। नहीं चल रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं चौका मार पाऊँ ना मार पाऊँ, मैं छक्का मार पाऊँ ना मार पाऊँ, तेरी बारी नहीं आऊँगा, तेरी बारी नहीं आऊँगा, मैं लगा रहूँगा 40 मिलियन हो, 50 मिलियन हो, 500 मिलियन हो, 7 साल घर बैठा हूँ। भाई पहली बात तो जब आपने अपने आंखों के सामने ऐसा एकदम किसी का टाइम नहीं एरा देखा हो ना कि इतने बंदा रुक ही नहीं रहा है, एकदम हर गाना पिछले गाने से ऊपर जा रहा है, एकदम ब्लूटूथ पे लोग गाने शेयर कर रहे हैं और हनी सिंह पागल हो रहा है। इतना ज़्यादा तगड़ा फैंडम देखने के बाद तो भिड़ना ही नहीं चाहिए, और जब तुम उसके नीचे से पले हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं भिड़ना चाहिए। और हिम्मत देखो रियलिटी शो में जाके चिढ़ा रहे हैं रफ्तार और बादशाह दोनों मिलके। भाई मैं तो चाहता हूँ एक आध दिन एमी वे बनता है और यो हनी सिंह का होना चाहिए कोले, फिर और मजा आएगा। क्योंकि एमी पे बंटा है को आप कुछ भी बोलो, जब वो डिस करने पे आता है ना वो डिस बहुत तगड़ा करता है। बाकी हनी सिंह का भी कलास्टार आने वाला है, बहुत बढ़िया। ये वीडियो पे 2 लाख लाइक कर दो तो अपन कलास्टार के गानों पे भी रिएक्ट करेंगे, भली माना उस पर पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो कंपनी की तरफ से आएगा, वो जो म्यूजिक लेबल्स रहते हैं, पर अपन रिएक्ट करेंगे अगर इस वीडियो पे 2 लाख लाइक हो जाते हैं तो। जल्दी से लाइक करो, बाकी हम मिलते अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, 1 मिलियन होने वाले। ये